ओ भाई क्या बंदे, देख के अच्छे बंदे यार। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता जो। तो लेजेंड्स यहाँ पे जैसे कि इस सीजन के स्प्लिट में हमें न्यू लेजेंड क्रिप्टो देखने के लिए मिल चुका है, और यहाँ पे जब से क्रिप्टो आया है इस गेम में वो अपने साथ आते हुए काफी बड़े चेंजेस को लेके आया है। और भले ये चेंज छोटा सा देखने के लिए मिलता है, बट ट्रस्ट मी मैचेस के बीच में गेम को पूरा पलट देता है। और जैसे कि रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के साथ ये मीम शेयर किया था, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि क्रिप्टो लेजेंड मोबाइल में कितना बढ़िया है कम्पेयर टू व्हाट जो हमें पीसी में देखने के लिए मिलता था। क्योंकि देखो, अगर आपको नहीं पता तो देखो, पीसी वर्जन में क्रिप्टो को अपने ड्रोन को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब कि हाँ, जो भी आप इस मोबाइल वर्जन में इस क्रिप्टो के ड्रोन को एनिमीज को फॉलो करते हुए देखते हो वो सब पीसी में नहीं है। ओरिजिनल क्रिप्टो अपने ड्रोन को कंट्रोल करते हुए किसी प्लेस पे लेके जाता है, बंदों को स्पॉट करता है और फिर ईएमपी छोड़ के अटैक करता है। बट जैसे कि यहाँ पे मोबाइल वर्जन में हमारा क्रिप्टो का ड्रोन उसे कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है, और इस चीज को देख के काफी सारे पीसी क्रिप्टो प्लेयर्स काइंड ऑफ अभी जेलस है मोबाइल प्लेयर्स से, क्योंकि इसकी वजह से पहले क्रिप्टो खेलते वक्त जो हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि अगर तुम ड्रोन यूज कर रहे हो फिर दिन तुम्हारा लेजेंड स्टिल खड़ा हो जाता है, एंड अगर तुम किसी कवर में नहीं हो फिर दिन इजीली कोई एनिमी टीम आके तुम्हें मार के चली जा सकती थी। और क्रिप्टो मिंस के लिए ये चेंज काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। बट यहाँ पे अगर तुम मेरे जैसे कोई और लेजेंड्स खेलते हो फिर दिन तुम भी परेशान हो चुके हो उस क्रिप्टो से लड़ते हुए, और यही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे क्रिप्टो प्लेयर्स से फाइट करें। तो यहाँ पे देखो, किसी भी लेजेंड से फाइट करने से पहले हमें उस लेजेंड के वीकनेसेस पता रहने चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं मेरे मेन लेजेंड पाथफाइंडर का, तो पाथफाइंडर की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि अगर तुम इसे किसी क्लोज एनवायरनमेंट में पाते हो, लाइक अगर कोई छोटा सा कमरा है, तो फिर देन उसके एबिलिटीज काइंड ऑफ यूजलेस हो जाती है तब। और ऐसे कोई वीकनेसेस हमें क्रिप्टो लेजेंड्स में ढूंढने पड़ेंगे, और वीकनेसेस ढूंढने से पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे जो कि हम फेस करते हैं क्रिप्टो से फाइट करते वक्त। तो देखो, जैसे कि क्रिप्टो का ड्रोन मोबाइल वर्जन में कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहता है ऑटोमेटिकली, तो अनलाइक पीसी वर्जन क्रिप्टो को हमेशा एक ही कोने में बैठ के उसके ड्रोन को कंट्रोल करना नहीं पड़ता। वो नॉर्मली रश करते हुए भी अपने ड्रोन से तुम्हें स्कैन करते रहते हैं, और उसका ड्रोन भी ऑटोमेटिकली तुम्हें फॉलो करता है। और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम, जैसे ही अपना ईएमपी छोड़ता है तो कुछ लेजेंड के एबिलिटीज यूजलेस हो जाते हैं, जैसे कि जिब्राल्टर का डूम शील्ड ईएमपी के अंदर आते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे पीसी वर्जन जैसे ड्रोन यहाँ पे एक ही जगह पे कहीं पे स्टेबल नहीं रहता, ये कंटिन्यूसली किसी ना किसी प्लेयर को फॉलो करते रहता है, और इसकी वजह से क्रिप्टो टीम को तुम्हारी पोजीशन हमेशा पता रहती है। और इन सब प्रॉब्लम से हमें सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि यहाँ पे जो क्रिप्टो लेजेंड है वो काफी ज्यादा डिपेंड है अपने ड्रोन पे। एंड अगर क्या होगा अगर क्रिप्टो का ड्रोन ही ना रहा तो, लाइक यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही रहेगा, क्रिप्टो के ड्रोन को यूज करने के लिए कोई भी कूलडाउन देखने के लिए नहीं मिलता। बट अगर तुमने उसके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली, फिर देन उसके बाद एक कूलडाउन देखने के लिए मिलता है 40 सेकंड्स का, और उन 40 सेकंड्स तक क्रिप्टो ना अपना ड्रोन यूज कर सकता है। और यहाँ पे क्रिप्टो के सारे एबिलिटीज उसके ड्रोन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। सो सिंपल सी बात है, अगर ड्रोन गया फिर देन क्रिप्टो से फाइट करना थोड़ा ईजी होता है। और यहाँ पे मुझे पता है आप में से काफी सारे प्लेयर्स बोलोगे कि यहाँ पे क्रिप्टो के ड्रोन को ट्रैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम इसे डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी सारे पीसी स्टैट्स देखे हैं उसमें से मुझे ये पता चला है कि क्रिप्टो के ड्रोन की हेल्थ रहती है 30 HP, और 30 HP देखोगे तो कुछ काफी ज्यादा HP नहीं है। अगर तुम कुछ भी करके इसके ड्रोन को मैनेज करते हो डिस्ट्रॉय करने की, फिर दिन सामने वाली टीम का क्रिप्टो कुछ समय के लिए ऐसा लेजेंड बन के रह जाएगा जिसके पास खुद की कुछ एबिलिटीज नहीं है जब तक उसका ड्रोन वापस नहीं आ जाता। बट हाँ, यहाँ पे मोबाइल वर्जन में इसके ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू पीसी वर्जन। पीसी वर्जन में हमें जहाँ पे भी ड्रोन देखने के लिए मिलता था तब उस वक्त क्रिप्टो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक काइंड ऑफ पूरा एक्सपोज रहता है। बट यहाँ पे मोबाइल वर्जन में क्रिप्टो आपके ऊपर रश भी कर रहा होता है, उसका ड्रोन भी आपको स्कैन कर रहा है, तो उस वक्त ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे और एक बात, जब भी आप अपनी तरफ किसी ईएमपी को आते हुए देखते हो तो ईएमपी कम्प्लीटली ब्लास्ट ऑफ होने से पहले आपके पास कुछ सेकंड्स रहते हैं उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड अगर ईएमपी ब्लास्ट ऑफ होने से पहले आप उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हो फिर दिन वो ईएमपी भी सक्सेसफुल नहीं होता, और ड्रोन को स्पॉट करना सबसे ज्यादा ईजी तब रहता है जब वो अपना ईएमपी यूज करता है, क्योंकि इसकी वजह से हमें उस ड्रोन की सेंटर लोकेशन पता चल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास अपनी कोई और ट्रिक है क्रिप्टो से फाइट करने की, फिर दिन नीचे बाकी लेजेंड्स के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसके ट्रिक को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा ज्यादा एक लाइक कर देना। आज का लाइक हम रखते हैं 299 लाइक्स का, तो बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाना। तो यहाँ पे मैं मिलता आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।